बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कुंदूस बेटा, सोद को अपने दुश्मनों से बचाऊं या तुम जैसे झूठे अमीर से हिफाजत करूं इसकी? मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, ड्रैगोस के आदमियों ने मारा है उन्हें, मुझे पूरा यकीन है, और मुझे कैद कर दिया गया ताकि मैं भाग ना सकूं। मैंने असल कातिलों को तलाश करने की कोशिश की, और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया। मैं बेकसूर हूं। ना कुंदूस सिपाही किसी का कत्ल कर सकता है। और ना ही अर्तुरुल सरदार कसूरवार है। अपनी शिकायत वापस लेती हूं मैं। लानत हो तुम पर। कुंदूस साहब बेकसूर है। अदालत में नहीं बता सकता था, इसलिए यहां बताने आया हूं। इस मकतूब में ड्रैगोस के राज मौजूद है। तुम्हें यह मकतूब सुल्तान तक पहुंचाना होगा। आज अदालत में मेरे बेटे गुंदूस की बेगुनाही साबित होने की खुशी में जश्न का अहतमाम किया है। तुम्हारी शमूलियत खुशी का बायस होगी। मुंतजर रहूंगा। मेरी वजह से कई लोगों को तकलीफ पहुंची, जिस पर दुखी हूं मैं। आप सबसे माजरत चाहती हूं। हां तो सलजान खातून, कुछ मेरे भाइयों की बात करते हैं। गुंदोगदू भाई, सुंगुरतकिन भाई और खासकर दुंदार बहुत याद आते हैं मुझे। मेरी बहुएं, उनके बच्चे, तुम्हारा बड़ा बेटा इल्तिगिन, बताओ ना कैसे हैं वो सब? मुझे पूरा यकीन है वो भी सुलेमान की तरह समझदार और बहादुर होगा। बहुत दिल चाहता है उन्हें देखने का। गुंदोगदू, मुझे माफ कर दीजिए वालिदा। सलजान, क्या हुआ बेटी, क्या बात है बताओ मुझे। गुंदोगदू ने और सुंगुरतकिन भाई ने इसरार किया कि
सुलेमान को लेके मैं अर्तुल भाई के पास चली जाऊं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मुझे किस से आपकी और आपके बेटे की हिफाजत करना होगी सुलजान खातून? सिर्फ हमारी नहीं भाई, पूरे कबीले की। बेटी सुलजान, संभालो अपने आप को। बताओ मुझे, क्यों भेजा है तुम्हें यहां? क्या हुआ कबीले के साथ? बताओ मुझे, बताओ बेटी। बातें कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी आपको परेशान कर रही हूं वालिदा। जब मैं कबीले पहुंची तो आप लोग पहले ही बहुत मुश्किलों में घिरे हुए थे, तो चुप रही मैं, अपने जख्मों को छुपा के सही वक्त की मुंतजर रही, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा था। सुलजान खातून, मेरी तरफ देखिए। आप किससे इतनी खौफजदा हैं? मंगोलों से। उन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। सरदारान सिपाहियों के साथ पहाड़ों पर चले गए और हम लोगों को यहां भेज दिया। लेकिन असल परेशानी तो यह है कि मंगोल उनके पीछे चले गए। या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा मेरे मालिक। इसका क्या मतलब है सुलजान? हाँ, वो तुम्हारे पीछे क्यों है बेटी? भाई, ये मकतूब आपके लिए भेजा है। अर्तुरुल भाई को मुनासिब वक्त पे देने का कहा था मुझे। अमीर हजरत, बेबुलाद साहब आ चुके हैं। भेजो उन्हें। रियासत मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वाले बागियों को कुचलने पर आपकी मशकूर रहेगी बेबुलाद साहब। आपके लिए कुछ तहाइफ लाया हूं अमीर हजरत। सिपाहियों, आपने जो मांगा था ले आया मैं अमीर हजरत।
सिपाहियों, इसे ले जाओ, हटाओ इसे, जल्दी जल्दी। और कुंदूक तू, उसका सर कहां है? कुंदूक तू अपने भाइयों और सिपाहियों के साथ रुपोश हो गया, उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मेरे आदमी उसकी तलाश में जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं बाबा के कत्ल की खबर सुनते ही यहां आ गया फौरन। तुम्हारे बाबा के कातिल को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। अर्तुरुल का बेटा कुंदूस कातिल है। आओ बैठो। अर्तुरुल का बेटा कुंदूस बेगुनाह साबित हो चुका है। कातिल ड्रैगोस नामी एक बागी बाजंतीनी साबिक कमांडर है। मेरी बहन इलबिल के क्या कहती है? वो भी कायल हो गई, अपनी शिकायत वापस ले ली है उसने। मुकदमा खत्म हो गया बेवलात, खारिज हो गया। अब तुम्हें मजबूत मुकदमे के लिए सऊद पहुंच जाना चाहिए जल्द, ताकि अपने बाबा के खून का हिसाब ले सको तुम। जिन लोगों ने हमला किया उनके मुंह से सुना कि वो कातिलों के सरबरा को अलबस्ती के नाम से मुखातिब कर रहे हैं। देखने में वो कोई मंगोल नहीं बल्कि तुर्क लगता है। तुर्क लगता है? क्या पहले उसे कभी देखा था सुल्तान खातून? जल्द मालूम कर लूंगा कि क्या मामला है। सब्र से काम लें इस वक्त, जब तक हमारे लोग खैरियत के साथ यहां ना पहुंच जाएं। आपको कबीले की खवातीन का हौसला बुलंद रखना है, हरगिज खुद को कमजोर मत समझें। वादा करें अर्तुरुल भाई कि आप अपने भाइयों को बचा लेंगे और उन्हें सही सलामत यहां वापस ले आएंगे।
अपने भाइयों को तलाश करना मेरा फर्ज है सुल्तान खातून। एतमाद रखें मुझ पर। अर्तुरुल भाई, आप हमारी छत, हमारा साया है। अपने बच्चे को लेकर यहां बहुत मान से आई हूं। वालिदा को औलाद का दुख ना देखने दीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा सब, लेकिन जो बातें यहां हुई वो हमारे दरमियान रहे। सैलजान, अर्तुरुल ने दुरुस्त कहा, अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो हमारे लोग भी मजबूत रहेंगे, और अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमारे लोग भी कमजोर हो जाएंगे। उन मलून मंगोलों ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। अपना जाने कब नसीब में फिर एक दूसरे से मिलना लिखा है। सुल्तान बेटी, जब तक हमारे बच्चे मुत्तहिद हैं, एक साथ हैं, तो फिक्र की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वो परेशानियों का हल निकाल लेंगे। जो जुल्म सहा और खून बहाया, उसका इजाला जल्द हो जाएगा। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। शुक्र है अल्लाह का। क्या है मकतूब में हार्दिक भाई? इस मकतूब में उन्होंने लिखा है कि हम सब खैरियत से हैं, बहुत जल्द सब बेहतर हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का। गुंदुगदु भाई ने मंगोलों के एक जासूस को पकड़कर उससे खुफिया मालूमात हासिल की थी। मंगोलों का कहना है कि जासूस को अगर हवाले ना किया गया तो वो उनके कबीले पर हमला कर देंगे। उस जासूस से मिलने वाली मालूमात है मकतूब में। उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसी ने भी मजाहमत की तो आलिम हो या तबीब, सबको एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा। भाई, अक्सर कली से बात करने की जरूरत है। उन तक जल्द से जल्द यह खबर पहुंचाएं हार्दिक भाई। सिपाहियों से कहें कि मेरे पास आए, मुझे उनसे बात करनी है। जैसा आपका हुक्म भाई। अलबस्ती सुल्तान खातून और उसका बेटा तुम्हें जानते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मुझे खुद को जाहिर नहीं किया मैंने अभी तक। अलबस्ती का नाम तो सुना है उन सबने, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। आला, सुन जाओ और पता लगाओ कि वहां क्या हो रहा है। सुल्तान खातून और उसके बेटे ने अर्तुरुल को क्या बताया है हमारे लिए बहुत अहम है। सबसे पहले तुम अपने कबीले की कमान संभालो। सुल्तान वहां क्यों आई है, क्या जानती है वो और क्या कर रही है वहां, सब मालूम करना होगा तुम्हें।
इसके अलावा एक और काम भी है। कैसा काम? खुफिया दस्तावेजात से भरा एक संदूक। शक है कि अर्थरुल ने वो संदूक चुराया है। अहम तरीन दस्तावेजात हैं उसमें बेबुलात। उसमें मंगोलों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार लोग, ताजिर और रियासत के अहदेदारों के नाम दर्ज हैं। सलजान खातून के पहले यहां आने की वजह खेमों की तैयारी करना है। जब कबीले के मजीद लोग यहां आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। सबको समझा दें ये बात कि इस काम में सलजान खातून की हर मुमकिन मदद करनी है। आर्तुक भाई, अक्तिमुर उस्ताद और आप निगरानी करेंगे। जी बहुत बेहतर भाई। सलजान खातून को खेमा बस्ती के लिए सामान चाहिए होगा। मैं किस ताजरों को जानता है, सामान की खरीदारी में वो मददगार साबित होगा। आप बाजार जाएं और साथ दें उनका। जो आपका हुक्म भाई। बमसी, कल हम सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। गुंदोगदू भाई भी यहीं आ जाएंगे ना भाई? अलबस्ती का सर लेकर आएंगे या हमें काटना होगा? वक्त आने पर यह भी हो जाएगा बमसी, फिलहाल मालूमात हासिल करनी है हमें। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म। बाजार में कोई भी ऐसा शख्स जिस पर शुबा हो तुम्हें, उसे वक्त जाया किए बगैर कुचल दो, अगला सांस तक ना लेने पाए वो। उस ड्रैगोस को और उसके साथियों को यूं महसूर कर दो कि बेबस हो जाएं। समझ गए तुर्कुत? जी समझ गया भाई। तुम्हें लईस पर भी कड़ी नजर रखनी है तुर्कुत, भाइयों के मामलात की तरफ मुतवज्जे होने का, ड्रैगोस फायदा ना उठा ले। मुझे क्या करना होगा भाई? लईस मेरे बेटे के एवज मुझसे तावान लेकर समझता है कि जीत गया है वो, लेकिन अभी उसका हिसाब बाकी है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। उससे कहो कि अमन में खलल डालने की वजह से जुर्माने के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के अदा करे, वरना सऊद से उसके तमाम ताजरों को निकाल दिया जाएगा और किले के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जैसा आपका हुक्म। मिकिस। जी सरदार। अपनी आंखें खुली रखना बाजार में, ड्रैगोस के आदमी कहीं पर भी हो सकते हैं। जिस पर बिल्कुल शुबा ना हो वो भी उसका साथी हो सकता है, उसके आदमी किसी भी भेस में हो सकते हैं। मैं ख्याल रखूंगा जनाब। हाँ, तुम्हारी जौजा और बेटा आने वाले थे यहां, क्या हुआ अब तक पहुंचे नहीं? वो बस आने ही वाले हैं सरदार, एक रिश्तेदार से मिलने रुक गए थे। ठीक है, बहुत खूबसूरत है मालकिन। आपकी ऐसी खूबसूरती और नर्म दिली देखकर किसी भी अच्छे मर्द का दिल पिघल सकता है।
बात सब किस्मत की है मेंगू। तुम जानती हो अच्छा और बहादुर मर्द आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है मालकिन। आपका हमसर आपके करीब ही मौजूद है। माजरत चाहती हूँ लेकिन आपके काबिल एक अच्छा मर्द सिर्फ अर्तुरुल सरदार ही है। हलीमा सुल्तान उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद ही वफात पा गई थी। अर्तुरुल भाई ने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। इतने सालों में अर्तुरुल सरदार ने दूसरी शादी नहीं की? किसी परियों की दास्तान की तरह थे हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल भाई। यहाँ तक कि अब भी वो दास्तान सुनाई जाती है। भाई आज भी किसी और खातून के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुमने सच कहा, वो अर्तुरुल सरदार है लेकिन ऐसा होना मुश्किल है मेंगू। क्यों मुश्किल है मालकिन? अफसानवी मोहब्बत थी उन्हें अपनी मरहूमा जौजा हलीमा से। दूसरी किसी औरत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं। ऐसा ना कहे मालकिन, कई साल गुजर गए, अपने बच्चों को भी अकेले पाला है उन्होंने। वो सरदार भी हैं, उन्हें जरूरत होगी कि कोई उनके पीछे घर की देखभाल करे, और आप उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब होंगी। अंदर आ सकता हूँ इलबिल के खातून? आइए आताज साहब। जी फरमाइए। सरदार सोत पहुंच गए हैं इलबिल की खातून। शुक्र है अल्लाह का, मैं अर्तुरुल सरदार को खबर कर देती हूँ। जो मैंने सुना वो अच्छी खबर नहीं है इलबिल की खातून। खैरियत तो है? सलजान खातून। क्या हुआ उन्हें? वो अपने बेटे को लेकर मशरिक से यहां शोहर के बगैर आई हैं। आप कहना क्या चाहते हैं आताज साहब? जाहिर है अर्तुरुल साहब के भाई मुसीबत में है, वरना वो अपनी बीवी और बेटे को इस तरह अकेले नहीं भेजते। उनकी परेशानी भी वही होगी जो हमारी है। ऐसा लगता है कि अर्तुरुल साहब यहां मैदान में खड़े अकेले दरख की तरह हैं। वो आखिर किस किस को धूप से बचाएंगे? आप अपने दुश्मन की फिक्र करें ताज साहब, मैं पहुंच जाऊंगी। आप वहां जाकर भाई का ख्याल रखिए। क्या बात है जांगुज? अदालत में सब सामने आ गया। बहुत खुश हूं मैं आपके लिए। खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। खातून, अगर आप कहें तो मालूमात की फराहमी जारी रखूं, मैं हमेशा हाजिर हूं खिदमत के लिए। जरूरत नहीं है, तुम्हें खिदमत के बदले काफी सोने के सिक्के दे चुकी हूं मैं। और वैसे भी अर्तुरुल सरदार पे पूरा एतमाद है मुझे। अब हम एक दूसरे के साथ तावुन करेंगे। जैसी आपकी मर्जी खातून, जैसी आपकी मर्जी। अदालत में सब कुछ सामने आ गया लेकिन असल कातिल अभी तक सजा से बचा हुआ है, जिसे अर्तुरुल सरदार ड्रैगोस कहते हैं। उस मलून को खून में नहला दूंगी मैं। ड्रैगोस बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। ठीक है खातून, ठीक है, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो अर्तुरुल सरदार को वो मालूमात फरहम कर देना, खासकर ड्रैगोस के मुतालिक। अमन और सलामती से रहें। मैं
मतलब तुम अब अर्तुरुल का साथ दोगी। जल्द मैं तुम्हें भी अंजाम तक पहुंचा दूंगा। अक्सा कल्ली को आपका पैगाम भिजवा दिया गया है, वो आपके मुंतजर हैं। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। जुमे की नमाज के बाद रवाना हो जाऊंगा। लईस ने भी अपना कासिद भेजा है, उसका कहना है कि लईस ने आपकी पेशकश कबूल कर ली है। अब उसे पता चलेगा कि जाल किसे कहते हैं। इल्बिल के खातून आई है भाई, वो मिलना चाहती है आपसे। बुला लो अब्दुल रहमान। इजाजत दीजिए भाई। हमारे सरदारान यहां तशरीफ ला चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे मिलकर कुछ जरूरी बातचीत भी करना चाहते हैं अर्तुरुल सरदार। शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। जो जमीन आपने हमें दी है, हम जल्द उस पर आबाद हो जाएंगे। बाबा के कत्ल समेत हर मसले के हल के लिए मैं आपके साथ हूं। अर्तुरुल भाई अगर इजाजत दें तो एक मुनासिब जगह का इंतखाब किया है, अपने काम खुद करना चाहती हूं मैं। बहुत जल्द सिपाहियों की मदद से अपना तमाम काम मुकम्मल कर लूंगी। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। सलजान खातून आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सारी खवातीन ये काम मिलकर मुकम्मल कर लेंगे। आप जाकर आराम कर लीजिए। यह आराम करने का वक्त नहीं है अफसा खातून। ठीक कहा तुमने, लेकिन वक्त इंतजार नहीं करता। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठाना है। हमारे कबीले के बाकी लोग रास्ते में हैं, जल्द यहां पहुंच जाएंगे, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द खेमे नस्ब कर दिए जाए। बेटी, कबीले वाले बहुत अच्छे और जिम्मेदार लोग हैं, और कबीले की खवातीन तुम्हारे काम में हर तरह से मदद करेंगी। तुम्हारे कबीले की आमद से ताकत में इजाफा होगा। मैं भी थक चुकी हूं, तुम्हारी आमद से बोझ कम होगा इंशाल्लाह। ऐसा क्यों कह रही हैं वालिदा? आप तो हम सबके लिए मिसाल हैं। पूरे कबीले में एक खातून भी आप जैसी नहीं। सब कुछ तो आपने संभाला हुआ है, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा है। कमजोर कैसे हो सकती हैं आप? अब मुझ में पहले की तरह ताकत नहीं रही। आज से तमाम खवातीन की जिम्मेदारी तुम संभालोगी बेटी, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ वालिदा, आप बस सुकून से रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हफ्सा बेटी, तुम भी सलजान खातून का हाथ बटाओगी, इनके लिए जिम्मेदारी आसान हो जाएगी। ठीक है वालिदा, जैसा आपको बेहतर लगे। वालिदा, खाना पकने के लिए रखा है, मैं देखकर आती हूँ जरा। ठीक है, जाओ बेटी, बच्चों को भी देख लेना। ठीक है वालिदा।
वालिदा। हाँ? मुझे आपको कुछ बताना है, मगर उलझन में हूं कि आपको बताऊं कि ना बताऊं। कहो, क्या बात है बेटी? इलबिलगी खातून, अर्थुरल भाई भी महसूसात रखते हैं। नहीं बेटी, वो अर्थुरल का बहुत एहतराम करती है। मैं जानती हूं वालिदा, मगर मैंने उसे एक औरत की नजर से देखा है। उसकी नजरों में महज इल्तिफात था। आंखें किसी की मुतलाशी थी वालिदा। इतना अरसा उस औरत ने शादी नहीं की। अगर अर्थुरल भाई जैसे मर्द से उसे लगाव है तो कोई अनोखी बात नहीं। सलजान, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है बेटी। अब चुप हो जाओ। मैं जानती हूं कि मैंने क्या कहा है वालिदा। आप ना माने अभी, लेकिन कल इस बात को जरूर तस्लीम करेंगी। ड्रेगोस नाम का वो आदमी हम सबका दुश्मन है। आप यकीन रखें कि उसके खिलाफ जंग में हम सब आपका भरपूर साथ देंगे। इल्फिल के खातून के खिलाफ चाल बिछाया। किसने सांकुच, किसने बताओ? ताजरों ने अपनी तलवारें लेकर वो लोग इल्फिल के खातून के पीछे गए हैं। कितना जुर्माना अदा करना है? 10,000 सिक्के। मंगोल हमारे कुछ खास अफराद और उलमा को कत्ल करके हमारी जानिब से मुजाहिमत को कमजोर करना चाहते हैं। क्या तुम्हें उस ड्रेगोस नामी शैतान ने भेजा है यहाँ? बहुत समझदार खातून हो तुम। मेरे भाई सुलेमान, सुलेमान, इल्बिल के खातून। जल्दी बताओ। मुर्दे बोलते नहीं।